हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं जुलाई 2023 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है, नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कोल इंडिया में आज के दिन क्या हुआ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन 1.65% का पॉजिटिव मूव, 231 पे क्लोजिंग देखने मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही पॉजिटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई नेगेटिव मूवमेंट आने वाली है, उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपका यहाँ पे कल के लिए यानी कि आपका जो है इस मंथ में जो है स्टॉक में हमें क्या देखा है उस बारे में बात करें, क्योंकि प्योरली हम जो स्टॉक का एनालाइज जो है नेक्स्ट डे के लिए नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मंथली का एनालाइज करें तो प्योरली हम मंथली एनालाइज में जो है क्या हमें देखने मिलने वाला और किस रेंज में हमें क्लोज होते देखें उस बारे में भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस इस मंथ के लिए क्या रहने वाले वो भी आपको बताएंगे। तो बिना समय के परफॉर्मेंस में देखते हैं लास्ट मंथ में स्टॉक ने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया। यहाँ पे परफॉर्मेंस में देखें तो वन मंथ में -6.82% का नेगेटिव परफॉर्मेंस हमें देखने मिला है। यहाँ पे टेक्निकल की बात करें जरूर स्ट्रॉन्ग बाय का जो इंडिकेशन देते हैं, लेकिन कई और सारे फैक्टर्स होते हैं उसे भी हमें जरूर कंसिडर करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते। चलिए जाते हैं हमारे मंथली के चार्ट में और देखते हैं लास्ट मंथ में स्टॉक ने किस तरह का कैंडल और किस तरह का यहाँ पे जो है वॉल्यूम देखने मिला। तो यहाँ पे कैंडल की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही बारीक से एक तरह से डोजी टाइप के जो कैंडल हमें बनते हुए देखने मिल रहे हैं। नीचे के साइड में थोड़ी सी बड़ी, ऊपर के साइड में छोटी सी वेक देखने मिल रही है। बहुत ही छोटी सी यहाँ पे बॉडी बनी है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज से थोड़ा ज्यादा हमें जरूर एक तरह से वॉल्यूम में कहूँ तो देखने मिल रहा है। बाकी आरएसए 50-59 के आसपास आ चुका है, जो स्लाइट एक नेगेटिव मूवमेंट का इशारा देता है, लेकिन यहाँ पे दूसरे कई फैक्टर्स होते हैं, सिवा से आरएसआई इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले वन डे के चार्ट में आने वाले दिनों के लिए मेरा क्या ओपन मिलता है थोड़ा सा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वन डे का चार्ट यहाँ पे मैंने ओपन किया, अगर मैं बात करूँ फिलहाल जो है हमारा आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में ओपिनियन जो है जरूर एक स्लाइड पॉजिटिव मूवमेंट का एक्सपेक्टेड अपसाइड मूव जो अराउंड हमें 232 के आसपास देखने मिले वहां से, लेकिन हमें तुरंत एक रिवर्सल जो देखने मिल सकता है। रिवर्सल में स्टॉक तुरंत आ सकता है सबसे पहले 231 के आसपास, उसको भी क्रॉस कर देगा तो मूवमेंट हमें जो 229 तक इजिली आते देखने मिल सकती है। बाकी स्टॉक में यहाँ पे ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें जब तक यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड नहीं हो जाती है। तो यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा, वहीं पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है वो आप जरूर हमें कमेंट करके बताना। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए सीधा जाते हैं वीकली के चार्ट में, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं और इस मंथ में जो स्टॉक में हमें किस रेंज में क्लोजिंग देखने मिलेगा उस बारे में यहाँ पे आपको मार्क करके जो है यहाँ पे बताते हैं। तो फिलहाल जो भी मैं सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस मार्क कर रहा हूँ, मैं चाहूंगा आप भी जो सेम टू सेम अपने चार्ट में मार्किंग्स कर ले, क्योंकि ये मार्किंग से बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगी अपना टारगेट और स्टॉप लॉस का जो खास करके मेंटेन करने में। तो जरूर जब सेम टू सेम अपने चार्ट में मार्किंग्स कर ले। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो क्लोजिंग की मैं बात करूँ 231 के आसपास क्लोजिंग हुई है, डायरेक्ट सपोर्ट आता है 225.88 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 238 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है जुलाई के मंथ में इस रेंज में अगर आपको स्टॉक घूमते हुए देखने में तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया उसको आप जरूर देख ले, वहाँ पे मैंने आपको हर एक चीज समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन के स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो आने वाले दिनों के लिए यहाँ पे जो है मेरा ओपिनियन जो है हमने ऑलरेडी कह दिया है। फिलहाल यहाँ पे इस मंथ में जो स्टॉक में क्या देखा उससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जो दो रेजिस्टेंस क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो आपको बता देता हूँ। तो डायरेक्ट सपोर्ट क्या अगला सपोर्ट आता है 216 का, उसके बाद 207 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद अगला रेजिस्टेंस आता है 246 का, उसके बाद 254 का। यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताया जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो अपना यहाँ पे कल के दिन का यानी कि जो है इस मंथ का जो ट्रेड ले। तो मेरा ओपिनियन इस स्टॉक में यहाँ पे जुलाई के मंथ में जो है जरूर एक पॉजिटिव मूव का है एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे 238.72 से लेके 225.88 के रेंज में क्लोजिंग देखने में, लेकिन एक पॉजिटिव साइड में क्लोजिंग देखने मिलेगी, यानी कि बड़ा कोई मूवमेंट नहीं रहने वाला है लेकिन जरूर एक पॉजिटिव मूवमेंट इस मंथ में हमें देखने मिल सकता है। 238 तक मैक्स टू मैक्स हमें आते हुए जरूर देखने मिलेगा और क्लोजिंग यहाँ पे इसी रेंज में हमें देखने मिल सकता है, थोड़ा सा और ऊपर जा सकते हैं लेकिन
क्लोजिंग हमें इस रेंज में जो है यहाँ पे जुलाई के एंड जो है फ्राइडे में देखने मिल सकती है। बाकी आपको क्या लगता है क्या हो सकता है इस मंथ में, हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।